वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो दोबारा तो तुहाडे सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है राइडर सिंह जी दे यूट्यूब चैनल दे विच। ते अज दा जिहड़ा अपना व्लॉग है, व्लॉग कह सकदे आ तुसीं, ट्यूटोरियल कह सकदे आ, क्योंकि अज दे इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसूंगी कि बुंगा साहिब किवें सजाया जांदा आ। सो इहदे विच मैं तुहानूं ब्रीफ विच दसूंगी कि असीं किस तरह पल्ले रखणे आ, किस तरह असीं बुंगा साहिब सजाने आ। मतलब मैं अपने वल्लों पूरी कोशिश कीती है कि तुहानूं मैं सही तरीके नाल दस सकां कि मैं किदां दमाला सजांदी हैगी आ, क्योंकि हाँ बहुत मैसेज इंस्टा ते भी आ रहे सी, यूट्यूब ते भी सी कि मैं अपने दमाला ट्यूटोरियल तुहाडे सारे सामने पेश करां। ते इस तो बाद जो है कुछ दिनों तक मैं जो उपर दमाला सजाया मेन दमाला साहिब दा भी ट्यूटोरियल आ रहा है। ठीक है, व्लॉग पूरा जरूर देखियो, वीडियो पूरी जरूर देखियो। आई होप तुम्हें सारे लिए बहुत बेनीफिट दूगी तुहानू ते फायदे वाली होएगी। हुण सब तो पहलो असीं स्टार्ट करांगे जूड़ा, ते जूड़ा भी असीं मर्यादा दे अनुसार स्टार्ट करांगे। ते सारा व्लॉग जरूर देखियो, सारी वीडियो जरूर देखियो। पहली जिहड़ी वीडियो अपनी बुंगा साहिब दे विच ही होएगी, जिवें कि मैं तुहानू पिछे दस चुकी हाँ। सो आपां शुरुआत करदे हां हुण। सो असीं जरूरत दे अनुसार मतलब जूड़ा असीं उन्ना ही अपना उपर कर लवांगे। जिन्ने तुहाडे केस होणगे उन्हां केसां दे विच पहला पल्ला रखना आपां खोल के, फिर आ सारे केसां नूं आपां उहदे विच करांगे दमाला साहिब दे अंदर, पूरे नूं कवर कर लवांगे। केस बाहर आने के एंड ते उन्होंने भी तो सी ना केस सारे अंदर करके दमाला साहब के अंदर रख लेने, ताकि केस आदि बिद भी ना भैया केस टूट ना। हम आप लगाऊंगे कंगा साहब, हम जेड़ा पीछे दमाला अपना बचिया ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜੂੜੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲੋਗੇ ਪੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਇਆ ਪੱਲਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟਾ ਪੱਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਪੱਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਲਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਜਾਏ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਆ ਪੱਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਖੱਟੇ ਟਾਈਪ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਪੱਲਾ ਅੜਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਦਮਾਲਾ ਸਿਰਫ ਸਜਾਇਆ ਆ, ਐਫ 74 ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦਮਾਲੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਮਾਲੇ ਐਫ 74 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾ ਇੱਕ 6 ਮੀਟਰ, ਅਤੇ 6 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਐਫ 74 ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਮਾਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਸਜਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਸਜਾ ਲਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘੱਟ ਸਜਾਉਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਜਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ 6 ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਪੱਲਾ ਖੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਆਇਆ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ
ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਜੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣੇ जिन्ना वड्डा तुसीं बेस बनाना चाहते हो जिन्ना वड्डा तुसीं अपना गुंगा साहिब करना चाहते हो उन्ना वड्डा ही तुसीं इहनूं दमाला सजाई जाना है अगे पिछे करी जाना है मेरी वैसे मतलब जिहड़ा ओह हुंदा ना साइज़ कह सकते हैं मेरे हिसाब से नॉर्मल होंगे ना ज़्यादा वड्डा होंगे ना छोटा होंगे क्योंकि फिर ज़्यादा वड्डा भी सही नहीं लगता ओवर हो जाता है आ देखो इधर ही पल्ले है ना जाई जाने उपर नीचे फिर इतों नाल ही आप थोड़ा जिहा आ चीज़ देखो पिछों कवर करिए ना पिछों पल्ला वाड़ लिया फिर इतों हाथ खोल के पल्ला अगे लिया हाँ मैंने पता है कि मेरे को सिर्फ आ इन्ना दमाला साहब रह गया है ठीक है मैं लास्ट पल्ला चौक के लाए ना उपर ताकि सारी सफाई आ जाए मेरे गुंगे की तो आ वाले पल्ले हूँ नहीं मैं दूंगी हूँ आए को सारे इतों फड़ के पिछे दे लूंगी ठीक है हम पिछों पूरा देखो हो गया अगो भी हूँ अगे मैं पता है कि मेरा इतों थोड़ा कवर नहीं होया मैं की करूँगी आप पल्ला खोलिया हम पल्ला कि सैट करना मैं तुम थोड़ा वो दस दी हाँ आ पल्ला खुलिया है ठीक है कई वो कवर नहीं हों आ छोटे वाला पल्ला पाया वे ठीक है आ फिर इन किया फोल्ड इतने ताकि पल्ला ता पूरा आ जाए तुम्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम ना हो देखो हम पूरा बराबर हो गया मेरी यार तो मैं थोड़ा दमाला साहब पूरा पिछे भी सजाती हाँ क्योंकि अपनी अपनी इच्छा है कईयों हों कि उन्होंने दमाला जोड़ा पूरा स्ट्रेट रहे कई हूँ जिम्मे मैं अपनी थिंकिंग दस रही मैंने थोड़ा वजिए लगता जो मेरा गुंगा थोड़ा पिछे रवे तो दमाला थोड़ा क्योंकि चांद जो अगे आ जाता फिर कड़ा लाना हों पिछे रहा तो सही रहा सो ये अपनी गुंगा साहिब की वीडियो जेकर ए कोई चीज़ क्लीयर नहीं हुई या कुछ भी प्रॉब्लम आती है दैन तुम मैं कमेंट सैक्शन के जाके पूछ सकते हैं मैं रिप्लाई जरूर करूंगी तो अपने वालों मैं पूरी कोशिश की है कि मैं तुम्हें सारा ब्रीफली दस पाव या ब्रीफली मतलब एक एक पल्ले बारे जानकारी देने की कोशिश जरूर की है लेकिन ता भी जो किसी ने कुछ नहीं पता लगता तो मेरे तुम पूछ सकते हो मैं रिप्लाई जरूर करूंगी तो हूँ जो अगे मेन दवाला साहिब आ ठीक है चंद वाल जो मैं सजानी हाँ व्लॉग मैं मतलब दो तीन दिन ही अपलोड करूंगी इसे हफ्ते के पार्ट टू के ताकि तुसी भी हुण जिवें गुंगा साहिब इहनूं चंगी तरह देख के सीख सको क्योंकि वीडियो वड्डी होई नहीं कई वार फिर देखते भी नहीं आ ते ताकि मैनूं इह कि जिन्ने जिन्ने देखण उन्हां दा बेनीफिट जरूर होवे ताकि तुसी भी फायदा लै सको सो अज दा इन्ना की होएगा हुण दिओ इजाजत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।